लंडो क्या हालचाल। तो आज देखो मैं लेने जा रहा हूँ एक सेकंड हैंड थार, और नई थार मैं ले नहीं सकता क्योंकि जेब में उतना पैसा नहीं है, इसलिए मैंने एक सस्ते ब्रोकर को हायर किया हुआ है और उसने मेरे को यहाँ की लोकेशन बताया है। ओ भाई ये रही थार। अरे ब्रोकर भैया इस थार की कुछ ज्यादा नहीं कंडीशन खराब है। अबे साले 150 रुपए में अप्सरा जैसी थार मिलेगी क्या? अबे लेना हो तो ले वरना चलती बंद। जिसके बाद मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और थार को लेकर अपने कालू मैकेनिक के पास चला गया। और हाँ तुम लोग देख तो बहुत अच्छे से रहे हो, लेकिन मन करे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा। उनको दिखाई नहीं देता तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है। बाकी मैंने थार को गैराज में खड़ी कर दिया है और कालू मैकेनिक को कॉल भी कर दिया है और उसने बोला है 3 दिन बाद आना, तो चलो चलते हैं। और 3 दिन तो कब के बीत गए हैं, तो चलो अपनी थार को देखते हैं। ओ भाई इतनी खतरनाक दिख रही है भाई, लेकिन तुम लोग लाइक कर दो तभी तुम्हें दिखाऊंगा। लो देखो देखो इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरे नाम की शोरूम ना हो, लेकिन कल रात को मैंने सोचा क्यों ना गांव लेवल पे भी कोई अच्छा सा शोरूम खोला जाए, तो इसी सिलसिले में मैं आज जा रहा हूँ डील करने। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं कौन सी गाड़ी से जाऊँ। चलो यार बहुत दिनों का बाइक नहीं चलाया तो चलो बाइक से चलते हैं। और थोड़ी देर बाद ब्रोकर की बताई हुई लोकेशन पे मैं पहुंच जाता हूं। अरे सर जी आइए आइए, आप तो काफी ज्यादा लेट हो गए। वो देखिए वो रहा आपका प्लॉट, और ये जगह मैं अच्छे से देखता हूं और ये मेरे को जगह काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद मैं ब्रोकर को पैसे देकर ये जगह खरीद लेता हूं और अपने आदमियों को कॉल करके गाड़ी लेने का ऑर्डर दे देता हूं। बाकी तुम कट कुट कुट देख रहे हो, अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैं देख रहा हूं तो कर दो यार, क्योंकि बिना बोले तुम लोग करने वाले तो हो नहीं। और मैं अगले दिन फॉर्च्यूनर से अपने आदमियों का काम देखने के लिए उस जगह पर फिर से आता हूं, तो क्या देखता हूं भाई यहां पर तो अच्छे से गाड़ियां लग चुकी है, तो चलो मेरा एक नया शोरूम भी खुल गया। बाकी मिलते हैं बाय। देखो मेरी 2 महीने की छुट्टी कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे को अपने आर्मी कैंप वापस जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले घर पे पहुंचकर अपना सारा सामान इकट्ठा करके निकलना पड़ेगा क्योंकि आज ही की ट्रेन है। और अब मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूं और अपनी बुलेट उठाकर स्टेशन की तरफ जाने लगता हूं। और मैं थोड़ी देर पहुंचा ही था तभी मेरे को किसी का कॉल आने लगता है, और जैसे मैं उठाता हूं और ये क्या भाई, मेरे सर बता रहे हैं कि कुछ आतंकवादियों ने सोने से भरी ट्रेन को भाई चेक कर लिया है और मुझे इसे रोकना है। लेकिन अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो इस शॉट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि बिना बोले तुम लोग करने वाले तो हो नहीं। और जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ये लोग उससे आगे जा चुके थे और मैं इनका पीछा करने लगता हूँ। थोड़ी देर पीछा करने के बाद मेरे को एक आइडिया आता है और मैं दूसरे रास्ते से निकल जाता हूँ और ट्रेन के आगे पहुंचकर उसके ड्राइवर को दूर से ही शूट कर देता हूँ, और ट्रेन जिससे मेरे आगे खड़ी हो जाती है। और जैसे ही सारे आतंकवादी बाहर आते हैं मैं तुरंत अपनी गन से उसे शूट कर देता हूँ और इस तरह मैं सारे आतंकवादियों को मार देता हूँ। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना बाय। देखो आज मैं अपने सुबह सुबह शोरूम पहुंचता हूं और देखता हूं कि वर्कर पहले से ही आकर सारी गाड़ियां लगा चुके हैं और आज बाहर से भी कुछ गाड़ियां आई हुई हैं, तो चलो उनका भी हिसाब करते हैं। लेकिन ये पीछे कौन बुला रहा है? अरे खन्ना साहब आप यहां क्या कर रहे हैं, अगर आपने बोला होता तो मैं आपके घर आ जाता। देखो मुझे 2 घंटे के अंदर अपनी बहन को गोल्डन लंबरगिनी गिफ्ट करनी है, मुझे तुरंत चाहिए। अरे खन्ना साहब मेरे इस वाले शोरूम पर तो नहीं है, लेकिन दूसरे वाले शोरूम पर गोल्डन लंबरगिनी अवेलेबल है और मैं 2 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पे पहुंचा दूंगा लंबरगिनी, आप निश्चिंत रहे। इसके बाद मैं अपनी थार लेकर गोल्डन लंबरगिनी लेने के लिए अपने दूसरे शोरूम की तरफ जाने लगता हूं। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बता दूं तुम्हारा भाई 1 मिलियन के काफी ज्यादा करीब है, तो बिना शर्माए इस शॉट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और मैं थोड़ी देर बाद अपने दूसरे वाले शोरूम पर पहुंच जाता हूं और अपनी गोल्डन लंबरगिनी लेकर यहां से चल देता हूं। बाकी अब मैं डायरेक्ट जाऊंगा खन्ना सर के घर पे, बाकी तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना बाय।